हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखिए एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो आप पहले एक बार इस पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ लीजिए, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको एक एन इनपुट करना है। हालांकि इस क्वेश्चन की कोडिंग पहले से कुछ की गई है, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन की कोडिंग यहाँ पर क्या है, की गई है, और इसमें हमें कुछ पार्ट को फिल करना है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या हमें फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले n की वैल्यू इनपुट करनी है जो पहले से इस कोडिंग में लिखा गया है। और क्या होगा कि आपको सबसे पहले 1 इनपुट किया जाएगा या तो 2। तो यहाँ पर आप देखें पहली नंबर, तो या तो 1 है या तो 2 है। और अगर 1 है तो एक नाम इंटर किया जाएगा। मान लो कि ये किसी एक लैपटॉप का नाम है, सोनी है या एचपी का लैपटॉप है। तो अगर इस पर्टिकुलर, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, एक्स, यहाँ पर उन्होंने कोडिंग में किया है, तो उस कोडिंग को हम बाद में समझेंगे कि कोडिंग क्या की गई है। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 है, फिलहाल जो यहाँ पहली वैल्यू है इसको आप एक्स माने, तो अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप का क्या होगा, नाम इंटर किया जाएगा, किस कंपनी का लैपटॉप है, और उसकी कास्ट इंटर की जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लैपटॉप का नाम नहीं बल्कि लैपटॉप की एक आईडी होगी, यहाँ पर उन्होंने इसको आईडी नाम दिया है, तो उसकी आईडी इनपुट की जाएगी और फिर उसकी कास्ट प्राइस इनपुट की जाएगी। तो फिर देखिए यहाँ पर 2 है इसलिए आईडी इनपुट की गई है और उसकी कास्ट प्राइस इनपुट की गई है। फिर देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है इसलिए इस बार कंपनी का नाम इनपुट किया गया है और उसकी कास्ट प्राइस इनपुट की गई है। तो ये जहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4, इसलिए 4 इनपुट हमें इस तरह से लेने हैं। और ये देखना है कि इन लैपटॉप में से किस लैपटॉप की जो कास्ट है वो मिनिमम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम कास्ट की, तो ये जो 3000 है इसकी कास्ट मिनिमम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या हो सकता है, या तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप की कंपनी का नाम हो सकता है या तो आईडी हो सकती है। तो इस केस में इस मिनिमम कास्ट के करिस्पॉन्डिंग ये आईडी है, इसलिए वो आईडी हमें एज अ आउटपुट प्रिंट करनी है। लेकिन अगर आप दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर जो मिनिमम कास्ट है एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ इनपुट दिया जाएगा। पहला एक्स की वैल्यू या तो 1 या तो 2, दूसरा लैपटॉप के कंपनी का नाम या तो लैपटॉप की आईडी, और तीसरा कास्ट। तो यहाँ पर मिनिमम कास्ट है 2000 और इसके करिस्पॉन्डिंग जो कंपनी का नाम है लैपटॉप का वो है एसर। तो यहाँ पर एसर एज अ आउटपुट प्रिंट करना है ना। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया है। तो पहले अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इनपुट आउटपुट आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को पूरा शो कर रहा हूँ और आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाएँ। ओके, फाइनली आई होप कि अब आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए कोडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने सबसे पहले एक x नाम का वेरिएबल बनाया है, तो जो पहली इनपुट है या तो 1 होगा या तो 2 होगा। देखिए हर बार या तो 1 या तो 2 ही इनपुट किया जाएगा, इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है। ओके, फिर है कास्ट। तो देखिए ये वेरिएबल दो हर एक लैपटॉप के लिए सेम होने वाले हैं, है ना। लेकिन जो यहाँ पर मिडिल वाला वेरिएबल है तो इसमें क्या होगा, एक या तो स्ट्रिंग होगी या तो आईडी होगी, इसीलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने एक यूनियन डिफाइन किया है ना। और एक कैरेक्टर टाइप का अरे है और ये क्या है, प्रोडक्ट नंबर है, और उसका एक इन्होंने इस तरह से वेरिएबल बना दिया है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने वेरिएबल हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये दो वेरिएबल हैं और एक ये वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल हैं ये वाले, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर उन्होंने क्या किया है कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके, जो स्ट्रक्चर का नाम दिया है लैपटॉप्स, एक अरे बना लिया है, n साइज़ का अरे बना लिया है, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ लैपटॉप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो ये जो अरे होगा वो किस टाइप का होगा, इस लैपटॉप्स टाइप का होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए उन्होंने n की वैल्यू को इनपुट किया है, n की वैल्यू को इनपुट किया और एक अरे डिक्लेयर किया है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो
फिर क्या किया है, देखिए उन्होंने यहाँ पर ये जो अरे बनाया है, ये वाला अरे, इस अरे के अंदर देखिए इसकी जो इमेज होगी कुछ इस तरह से होगी। तो ये अरे हमने चार साइज का बनाया है और इस अरे का नाम उन्होंने क्या रखा है, इस अरे का नाम उन्होंने रखा है लैपटॉप। ओके, तो इस अरे का नाम है लैपटॉप और इसमें चार बॉक्स हैं। देखिए कितने भी बॉक्स हो सकते हैं, एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर अगर हम एक ब्लॉक की बात करें अरे के, तो उसके अंदर देखिए एक एक्स नाम का वेरिएबल है और ये एक्स कैपिटल एक्स है, और एक कास्ट नाम का वेरिएबल है, और एक यूनियन टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट नंबर वेरिएबल है, और एक पूरा पूरा अरे है जिसमें हम ब्रांड नेम स्टोर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ब्लॉक की देखिए स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलिए आई होप आपको देखिए इतना तो समझ में आया ही होगा। अब हम कोडिंग की बात करते हैं। देखिए तो उन्होंने इनपुट किस तरह से लिया है, तो सबसे पहले देखिए एक्स की वैल्यू इनपुट की जा रही है, तो एक्स में क्या आएगा, या तो वन आएगा या तो टू आएगा। तो अगर एक्स में वन है तो फिर कंपनी का नाम इनपुट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, पहले अगर हम ब्लॉक की बात करें, और अगर आपको इसमें वैल्यू रखनी है इस पहले वाले ब्लॉक में, पहले वाले ब्लॉक के इन मेंबर वेरिएबल में, तो पहले वाले ब्लॉक को आप किस तरह से एक्सेस करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर अरे का नाम है लैपटॉप, तो लैपटॉप ऑफ जीरो मतलब पहला ब्लॉक, फिर लैपटॉप ऑफ वन मतलब दूसरा ब्लॉक, लैपटॉप ऑफ टू मतलब तीसरा ब्लॉक। इस तरह से आप ब्लॉक को एक्सेस करेंगे और डॉट लगा देंगे अगर आप, तो उनके हम मेंबर वेरिएबल की बात करते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। तो फिर यहाँ पर देखें, तो क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज है और एन तक जाएगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पर उन्होंने देखिए एक्स में वन रखा है, और अगर एक्स में वन है तो यहाँ पर देखें ये कम ब्रांड नेम इनपुट किया जा रहा है इस तरह से, और ये नेम कहाँ पर जाएगा, ये जो अरे यहाँ पर है इस अरे में जाएगा। और इस अरे को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, लैपटॉप ऑफ जीरो डॉट, फिर इस वाले यूनियन का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नम आर नेम आर नम, यहाँ पर देखिए उन्होंने एक वेरिएबल बनाया था, तो क्या लिखेंगे, लैपटॉप ऑफ जीरो डॉट नेम ऑफ नेम आर नम डॉट ब्रांड नेम, है ना। किस तरह से एक्सेस किया जाता है अरे एलिमेंट को, ये आपको आता होगा। और फिर इस तरह से यहाँ पर इनपुट लिया गया, फिर कास्ट जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू रखी गई है। तो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये प्रोग्राम, ये इस तरह से, फिर ये नेम यहाँ से इनपुट हो गया, और कास्ट में किस तरह से आप वैल्यू रखेंगे, एड्रेस ऑफ लैपटॉप ऑफ इंडेक्स डॉट कास्ट। तो अगर एक्स की वैल्यू वन है तो इस तरह से इनपुट जाएगा, और अगर एक्स की वैल्यू टू है तो फिर यहाँ पर नेम नहीं बल्कि प्रोडक्ट नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से इनपुट दे दिया है। और अगर हम पहले इनपुट की अगर बात करें, तो पहले ब्लॉक जो हमारा है अरे का, चार ब्लॉक हैं, तो पहले ब्लॉक में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, है ना, ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, चारों इन्फॉर्मेशन, पहले ब्लॉक में ये वाली इन्फॉर्मेशन, दूसरे ब्लॉक में ये वाली इन्फॉर्मेशन, और तीसरे ब्लॉक में ये, और फोर्थ ब्लॉक में ये। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर टास्क क्या है, कि हमें मिनिमम कास्ट को फाइंड करना है, मिनिमम कास्ट को फाइंड करना है। तो अगर आप इस अरे में ध्यान से देखें, तो ये जो पर्टिकुलर है कास्ट वाला कौन सा हमारा ब्लॉक है, ये वाला यहाँ पर, तो हर में कुछ ना कुछ कास्ट होगा। तो अगर इनकी बात करें तो 7000 3000 6000, तो यहाँ पर पहले में क्या है, पहले में है देखिए 7000, फिर यहाँ पर कितना है 3000, फिर यहाँ पर कितना है 6000, और यहाँ पर है 4500। तो यहाँ पर जो मिनिमम कास्ट है, मिनिमम कास्ट है ये वाली कास्ट है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग या तो इसका नेम होगा या तो प्रोडक्ट नंबर होगा, है ना, यहाँ पर दो फील्ड होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्या है, अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, वन है, यहाँ पर टू है, और यहाँ पर भी टू है। देखिए मैं लिख के एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए आईडी होगी, प्रोडक्ट नंबर होगा, या तो ब्रांड नेम होगा, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ।
तो इस अरे को देखिए हमें विजिट करना है, तो अरे को विजिट करना देखिए बहुत ही ईजी है। और अरे को विजिट करते हुए इस पर्टिकुलर मेंबर वेरिएबल जो कास्ट नाम का है उसे हमें चेक करना है और मिनिमम वाले को हमें फाइंड कर लेना है। तो अब बात आती है कि मिनिमम वाले को हम फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए अरे में सबसे अच्छी बात होती है कि इंडेक्स नंबर होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1 और इसका होगा 2 और इसी तरह से फाइनली इसका इंडेक्स नंबर होगा 3। तो जैसे ही हमें मिनिमम कास्ट मिलती है तो मिनिमम कास्ट के साथ साथ उस पर्टिकुलर ब्लॉक का मैं इंडेक्स नंबर स्टोर कर लूँगा। और क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इस अरे का क्या नाम है, इस अरे का नाम है LAPTOP, इस अरे का नाम है देखिए। तो अब अगर हमें इस ब्लॉक का इंडेक्स पता चल गया तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा LAPTOP ऑफ, मान लीजिए इंडेक्स नाम का मैं वेरिएबल बना लूँगा, तो इंडेक्स, इसका इंडेक्स, तो मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। और इस ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं तो क्या हमें प्रिंट करना है, या तो प्रोडक्ट नंबर प्रिंट करना है या तो ब्रांड नेम प्रिंट करना है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू को पहले मैं चेक कर लूँगा, अगर एक्स में 1 है तो ये इंडेक्स डॉट, अब हमें इन वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो इन वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे, वही जो वेरिएबल है नेम आर नम डॉट, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इस अरे वाले का नाम, और इस अरे का नाम क्या है, ब्रांड नेम। इस तरह से ये चीज़ हमें प्रिंट करनी है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो इस ब्रांड नेम की जगह पर सिर्फ प्रोडक्ट नंबर आ जाएगा, है ना, यही तो हमें काम करना है। देखिए तो ये बस क्वेश्चन इतना ही सिंपल है, पढ़ने में आपको भले टफ लग सकता है। तो चलिए मुझे क्या करना है, पहले इस अरे को पूरा विजिट करना है और हमें मिनिमम कास्ट फाइंड करनी है, और जिसकी कोडिंग हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए मुझे अरे को विजिट करना पड़ेगा और उसे मिनिमम हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर अरे में अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो यहाँ पर चलिए मैं कुछ यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक मिन नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें इंट मैक्स स्टोर किया है, तो शायद वो ये चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ना बनाएं, लेकिन अगर हम क्रिएट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक वेरिएबल हमारे पास पहले से है तो मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ, हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसी को यूज़ करने की। तो मैं यहाँ पर मिनिमम फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले ब्लॉक का जो कास्ट है उसको मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम है, और अगले ब्लॉक से मैं कंपेयर करता हुआ चलूँगा, और अगर मिनिमम आती है तो फिर मैं उसको स्टोर कर लूँगा। तो पहले ब्लॉक का देखिए कैसे कास्ट मिलेगा हमें, अरे का नाम है हमारे लैपटॉप LAPTOP, तो लैपटॉप ऑफ 0 डॉट कास्ट, है ना। तो ये पहले वाले जो ब्लॉक की कास्ट है जो क्या है 7000 है, वो कहाँ चली जाएगी, इस मिन वाले में चली जाएगी। और मैं एक लेट से पी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इंडेक्स नंबर देखिए हमें स्टोर करना है। अगर हमें ये पता चल गया जिस ब्लॉक में कास्ट मिनिमम है और उसका इंडेक्स नंबर हमें पता चल गया, तब हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक के किसी भी मेंबर वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर इंडेक्स स्टोर करना बड़ी बात है, यही आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है पी नाम से। अब क्योंकि पहले ब्लॉक के जो कास्ट है उसको हमने मिनिमम माना है, इसलिए हमने पी में क्या स्टोर कर दिया, 0 स्टोर कर दिया। अब हमें पूरे लूप को विजिट करना है, तो लूप को विजिट करने के लिए देखिए हमें लूपिंग जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं लूप लगाता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं लिखूँगा इंडेक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा मैं, देखिए है ना, और इंडेक्स लेस देन कैपिटल एन, एन वेरिएबल यहाँ पर इनपुट हो चुका है, देखिए यहाँ पर कैपिटल एन है और इसकी वैल्यू यहाँ पर इनपुट की गई थी, है ना, एन तक, एंड इंडेक्स प्लस प्लस, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, कास्ट को कंपेयर करना है, तो मैं लिखूँगा इफ़ LAPTOP लैपटॉप ऑफ इंडेक्स डॉट कास्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो मैं इतना लिखा हूँ लैपटॉप ऑफ इंडेक्स डॉट कास्ट, मतलब मैं 3000 की बात कर रहा हूँ, है ना। और अगर ये लेस देन है, किससे लेस देन है,
जो अभी अभी हमने मिनिमम से स्टोर किया है, और अगर लेस देन है तो मैं मिन में क्या करूँगा, यही वाली मैं कास्ट को रख दूँगा, है ना। तो एल ए पी टी ओ पी ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ इंडेक्स डॉट कास्ट, और पी में देखिए इंडेक्स रखना ना भूलें, क्योंकि हमारा ओवरऑल मेथड क्या है, पर्पस क्या है, इंडेक्स को फाइंड करना। देखिए इतना कोड लिख देने से क्या हुआ कि अब हमें उस अरे के उस ब्लॉक का इंडेक्स आ जाएगा पी में, जिसकी कास्ट क्या है, मिनिमम है। तो बस अब वही तो हमें प्रिंट करना है, तो सिंपली मुझे लूप के बाहर आना पड़ेगा, और जैसे पी में क्या आया होगा कोई इंडेक्स, तो उसके हमें एक्स की वैल्यू को चेक करना है, और अगर एक्स में वन है तो हमें ब्रांड नेम प्रिंट करना है, और अगर एक्स में टू है तो हमें प्रोडक्ट आईडी नंबर प्रिंट करना है। बस तो मैं चेक करूँगा इफ़, आप कैसे चेक करूँगा, लैपटॉप ऑफ पी लिखूँगा, देखिए क्योंकि पी में इंडेक्स है, डॉट एक्स अगर ये वन है तब हमें क्या प्रिंट करना है, तब हमें देखिए लैपटॉप का ब्रांड नेम प्रिंट करना है, इसलिए हमने लगाया परसेंटेज एस, और उस ब्लॉक को मैं किस तरह से एक्सेस करूँगा, लैपटॉप ऑफ पी डॉट फिर यूनियन वाले वेरिएबल का नाम, नेम आर नम डॉट ब्रांड नेम, है ना। इल्स में हमें क्या प्रिंट करना, अगर एक्स उसमें एक्स की वैल्यू अगर वन नहीं तो जरूर से टू होगा, तो इल्स में हमें क्या प्रिंट करना है, परसेंट डी, क्योंकि परसेंट मैं डी लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करूंगा, लैपटॉप ऑफ पी डॉट नेम आर नम डॉट प्रोडक्ट नंबर। तो देखिए ये हमारा काम हो चुका है, बस इतना ही कोड हमें लिखना था। तो देखिए मैं इसको फाइनली रन करता हूँ एक बार इस प्रोग्राम को, और आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। ओके, तो इस प्रोग्राम में देखिए था कुछ नहीं, अगर मैं दो मिनट और बोलूँ इस वीडियो के बारे में, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है कि मिनिमम कास्ट को फाइंड किया और उसका इंडेक्स नंबर स्टोर किया है। और देखिए इंडेक्स मैंने क्यों स्टोर किया, ताकि मैं इस पूरे ब्लॉक को एक्सेस कर सकूँ, और अगर अरे का नाम लैपटॉप है तो लैपटॉप ऑफ इंडेक्स और डॉट ऑपरेटर लगा के हम इन मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जो आपको स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं यूनियन के तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो फाइनली हमने देखिए इस प्रोग्राम को सेव किया है, और मैं रन करता हूँ, और अगर कुछ इरर होगी, वेरिएबल मिस्टेक समथिंग, तो हम लोग इसे दूर करेंगे। तो देखिए इरर कुछ भी नहीं थी, हमारा प्रोग्राम रन हो गया और सारे टेस्ट केस क्या हैं, पास हो गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आया होगा तो लॉजिक बनाना बहुत ही सिंपल था, राइट। सो थैंक यू सो मच।